दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनी फिल्म के सेट पर शूट करते करते प्यार हो गया था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यह निर्देशक और फिल्म की अभिनेत्रियों की जोड़ी है। आइए जानते हैं सिनेमा जगत की कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में। नंबर एक, नयनतारा विग्नेश शिवन। साउथ सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नयनतारा ने बीते दिन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और निर्देशक विग्नेश शिवन से शादी कर ली। दोनों पिछले साल वर्षों से डेट कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? नहीं ना, तो चलिए बताते हैं कैसे इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। गौरतलब है कि यह कपल साल 2015 में फिल्म नानुम राउडी धान के सेट पर एक दूसरे से टकराए थे, जिसके साथ काम करते करते दोनों का आपस में प्यार हो गया था। नंबर दो, यामी गौतम आदित्य धर। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम के अफेयर्स की खबर इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं के साथ आई, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार अपनी फिल्म के निर्देशक आदित्य धर से हुआ और दोनों ने झट से शादी कर ली। उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक के सेट पर यामी और आदित्य की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने अगस्त 2021 में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गुपचुप तरीके से शादी की थी। नंबर तीन, रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा। रानी मुखर्जी ने साल 2014 में यशराज फिल्म के मालिक और यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी। इससे पहले कभी भी दोनों ने अपना रिश्ता खुलकर स्वीकार नहीं किया था। नंबर चार, सोनाली बेंद्रे गोल्डी बहल। सोनाली बेंद्रे भी उन हीरोइनों की लिस्ट में शुमार जिन्होंने एक डायरेक्टर से शादी की। अभिनेत्री ने डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी की थी। दोनों की मुलाकात साल 1994 में फिल्म नाराज के सेट पर हुई, जिसमें गोल्डी बहल की बहन का बहुत बड़ा हाथ था। सोनाली को देखते ही गोल्डी बहल उन्हें दिल दे बैठे थे, लेकिन 4 साल तक उन्होंने सोनाली से बात छिपा कर रखी थी। इसके बाद फिल्म अंगारे की शूटिंग के दौरान गोल्डी को पहला मौका मिला, जिसके जरिए वह सोनाली को अपना हमसफर बना सके। नंबर पाँच, उदिता गोस्वामी मोहित सूरी। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी हॉटनेस का जादू बिखेरने वाली उदिता गोस्वामी का करियर भले ही सफल न रहा हो, लेकिन पाप और जहर जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने साल 2013 में फिल्म निर्देशक मोहित सूरी से शादी कर ली। 9 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे।